हेलो एवरीवन, आज जो मैं वर्कआउट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बिगनर लेवल का वर्कआउट है, यानी कि वो लोग जो हाल ही कुछ दिनों से वर्कआउट कर रहे हैं या फिर वो लोग जो वर्कआउट शुरू करने वाले हैं। इस वर्कआउट को हम सर्किट फॉर्म में करेंगे। इसमें तीन एक्सरसाइज होंगी जिसे कि हमें मिनी सर्किट, यानी कि एक खत्म किया फिर दूसरी फिर तीसरी, इसको इस रूप में हम करेंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है हमारी नी अप्स टू द फ्रंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम शोल्डर पे खड़े हो जाएंगे और हमारा जो नी है हमें उसको मैक्सिमम लिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमने पहले लेफ्ट में हम 15 नी अप्स एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद में हम राइट लेग में करेंगे। ओके, दिस वे नी अप, और जब हम नी को ऊपर लाएंगे एट द सेम टाइम हमें ब्रीद आउट भी करना है। 15 रेपिटेशन होने के बाद में फिर हम लेग चेंज करेंगे, फिर राइट लेग में हमारे 15 रेपिटेशन हो जाएंगे अगेन विद द ब्रीद आउट। जब आपका मूवमेंट ऊपर खत्म होगा तो हमें ब्रीद आउट करना है। ग्लूट ब्रिजेस, जिसमें कि हमें 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं। ओके, उसका जो पोस्चर रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, मैट हम पहले से ही हम रेडी कर लेंगे। ओके, कोशिश करें हमारे शूज या हमारे पैर मैट के बाहर रहें ताकि वो गंदा ना हो। लाई डाउन ऑन योर बैक फेसिंग टू द रूफ सीलिंग, शोल्डर विथ गैप रहेगा हमारे नीज में और फीट के बीच में। ओके, लेग्स को हमने बेंड कर लिया, हैंड्स ऑन द साइड एकदम रिलैक्स, और हिप्स को हम ऊपर पुश करेंगे ब्रीद आउट के साथ, फिर हम कंट्रोल वे में नीचे लाएंगे। सो 15 रेपिटेशन, वो है स्क्वाट्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स। हम शोल्डर विद गैप में हम खड़े हो जाएंगे, और फीमेल्स हैं यदि फीमेल्स हैं तो फिर उस केस में हम हिप विद गैप में हम खड़े हो जाएंगे, टोज हमारे सामने की तरफ पॉइंटेड होंगे। ओके, मूवमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा, हाथ सामने की तरफ आ जाएंगे। मूवमेंट जो हमारा होगा वो हिप से होगा, सिटिंग ऑन ए चेयर बिहाइंड यू, सिटिंग ऑन ए बेंच विच इज बिहाइंड यू। सो डाउन एंड अप, ब्रीद इन करते हुए हम नीचे जाएंगे और ब्रीद आउट करके हम ऊपर आ जाएंगे। वापस से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। दूसरा सर्किट भी बिगनर लेवल का। इसमें हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी जंपिंग जैक, वो कुछ इस प्रकार से होगी। आपके फिटनेस लेवल के हिसाब से आप इसको तेजी से भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। रेपिटेशन रेंज 20 से 30 की हो सकती है। जो दूसरी एक्सरसाइज इसी सर्किट की है वो है प्लैंक। एक मैट पे या बेडशीट पे हम आ जाएंगे, एल्बोज आपके ग्राउंड पे आएंगे, पहले ये पोजीशन हो जाएगी। ओके, नीज, इसके बाद में नीज लिफ्ट कर लेंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में आ जाए, आपके शोल्डर हिप्स नीज और एंकल एक स्ट्रेट लाइन में, फेस फ्लोर की तरफ मैट की तरफ। लगभग 30 से 45 सेकेंड होल्ड करेंगे। और जो इस सर्किट की जो आखिरी एक्सरसाइज है वो है लाइंग लेग रेजेस। तो वापस से मैट के ऊपर फीट के बल हम लेट जाएंगे, ओके? इसमें दो ऑप्शन है, हम डबल लेग रेस भी कर सकते हैं और सिंगल। यदि आपको डबल लेग मुश्किल लगता है तो हम सिंगल लेग रेस कर लेंगे पहले, 15 से 20 रेपिटेशन एक तरफ, और जब हमारा लेग ऊपर आएगा उस टाइम में ब्रीद आउट होगा। 15 रेपिटेशन करने के बाद में लेग चेंज, और जब हम अपने एब्डोमेन को स्क्वीज करेंगे उसी टाइम में ब्रीद आउट, या हमारा पैर जब ऊपर की तरफ आएगा तो ब्रीद आउट। इसको जो दूसरा वर्जन है इसका वो डबल लेग का भी हो सकता है यदि आप कर सकते हैं तो। और जब पैर हमारे नीचे जाएंगे तो कंट्रोल्ड मैनर में,